हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बात कर रहे थे अपन अपने फिल्टर की, तो कल अपन ने दो फिल्टर पूरे कर लिए थे, है ना। आज हम अपन तीसरे फिल्टर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड फिल्टर का नाम क्या है? अनुभाग, एल अनुभाग फिल्टर या निवेशी फिल्टर, ठीक है। इसको आप लोग एल व सी दोनों बोल सकते हो, या फिर एल व सी फिल्टर, ओके। कैसे बोलेंगे? क्यों? क्योंकि इस वाले के अंदर कुंडली भी जुड़ी हुई है और संधारित्री भी लगा हुआ है, ठीक है। एक बार इसकी थ्योरी बोल देती हूँ मैं, आप लोग सुन लेना कि अरे वहाँ पे प्रत्यावर्ती स्रोत भी जोड़ा था, पर वो मैंने बनाया नहीं है तो डायरेक्ट बना दिया, आप लोग समझ जाना। मैं थ्योरी बोल रही हूँ, उसकी सुन लो, देखो ध्यान से। माना एक FWR में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर VI वोल्ट था व एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। यहाँ ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 व D2 लगे होते हैं। तो यहाँ द्वितीय कुंडली पर RL लोड प्रतिरोध के साथ एक कुंडली व एक संधारित्र जोड़ा जाता है। यहाँ लोड प्रतिरोध RL के साथ एक कुंडली और एक संधारित्र जोड़ा जाता है। यहाँ कुंडली का प्रतिघात कितना है? अक्षय। और संधारित्र का प्रतिघात कितना है? अक्षय C है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? यहाँ कुंडली का प्रतिघात अक्ष एल जो है, संधारित्र के प्रतिघात एक्स सी से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अब अपन इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। देखो ये दोनों का मिक्सचर है। अपन ने एक पीछे एल पढ़ा था और एक सी पढ़ा था, दोनों को अलग अलग पढ़ा था। पहले वाले में अपन ने संधारित्र के बारे में जानकारी ली थी और दूसरे फिल्टर के मैं अपन ने किसकी जानकारी ली थी? एल की ली थी। अब तीसरे नंबर पे क्या आ गया कि ये दोनों का मिक्स आ गया, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? LC फिल्टर बोलते हैं, ओके। अब सुनो जी इसकी थ्योरी। अब एक और देखो, इस प्रकार के फिल्टर में श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर और पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर दोनों उपस्थित हैं, ठीक है। इस फिल्टर के अंदर दोनों एल व सी उपस्थित है। अब अपन इसकी बात करते हैं, एक तो DC संकेत के लिए और एक AC संकेत के लिए। तो दो बात करेंगे अपन इसके अंदर, किस किस की? एक DC संकेत के लिए और एक AC संकेत के लिए। तो देखो जी, सुनना, सबसे पहले डायोड में संकेत आता है, ठीक है। सबसे पहले डायोड में क्या आता है? संकेत आता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ओके। अब यहाँ पर ये कुंडली, अब यहाँ पर ये AC प्लस DC पहले कहाँ जाएगा? अपने को ये देखना है कि इसके अंदर ये जो डायोड से संकेत आता है, संकेत कौन सा आता है? एक तो DC आती है और एक AC आता है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये AC और DC सबसे पहले कहाँ जाएंगे। तो देखो, ये पहले जाएगा कुंडली में, ठीक है। ये दोनों संकेत ही सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कुंडली में। अब कुंडली का प्रतिघात क्या होता है? कुंडली का प्रतिघात क्या होता है? XL इक्वल ओमेगा L होता है, यही, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है कि XL का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा रखना मतलब L का मान ज़्यादा है तो मतलब ये कुंडली क्या है? AC को ज़्यादा से ज़्यादा रोक लेगी। आई रिपीट, यहाँ पे अपन XL का मान ज़्यादा रखते हैं। XL का ज़्यादा रखने का मतलब L का मान ज़्यादा रखते हैं। अगर L का मान ज़्यादा रखते हैं तो मतलब ये जो कुंडली है ये AC को क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा रोक लेगी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन AC को तो छोड़ो, DC की बात करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि DC और कुंडली का क्या है? कनेक्शन है। तो देखो, DC के लिए जो कुंडली होती है ना, वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती है। कल वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, DC के लिए कुंडली जो होती है वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती है,
ठीक है, मतलब डीसी जो आएगा और संधारित्र डीसी के लिए क्या होता है, ओपन सर्किट का काम करता है। देखो अपन इसके अंदर एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं, हाँ ये तो अपने को पता है कि इस संकेत से इस डायोड से दो संकेत निकल कर आएंगे, कौन कौन से, एसी और डीसी। ठीक है, अब ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले एसी आएगी कि डीसी आएगी। तो एसी को तो छोड़ो, सबसे पहले अपन बात किसकी कर लेते हैं, डीसी की। डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी और कुंडली का कनेक्शन क्या होता है कि कुंडली जो होती है वो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है तो क्या अपन इसको ये हटा दें। डीसी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है, डीसी आ रहा है। डीसी के लिए कुंडली शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती है, तो अपन ने इसको शॉर्ट सर्किट की तरह दिखा दिया। ठीक है, अब सुनो, और ऐसे ही संधारित्र जो है वो डीसी के लिए क्या कार्य करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, संधारित्र डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। तो ये लो, इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। ठीक है, अब सुनो, तो क्या हो जाएगा, डीसी यहाँ से आएगी। ठीक है, अगर डीसी यहाँ से आएगी और ये कुंडली है, ये डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है, तो डीसी डायरेक्ट यहाँ से आके कहाँ आ जाएगी, इस लोड के अंदर आ जाएगी। क्यों, संधारित्र के अंदर तो जा नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है, इसलिए। तो डीसी कहाँ जाएगी, पूरी की पूरी डीसी कहाँ आ जाएगी, लोड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात की, डीसी संकेत के लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी यही देखना कि डायोड से जो संकेत आ रहे हैं एसी और डीसी, उनमें सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, डीसी की बात कर लेते हैं। बात अभी मुझे पता है कि हाँ आ यहाँ से दोनों रहे, पर अभी फिलहाल अपन बात किसकी कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं। तो डीसी के लिए कुंडली शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती, तो उसको अपन ने शॉर्ट सर्किट की तरह दिखा दिया, और संधारित्र डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, तो उसको अपन ने क्या दिखा दिया, ओपन सर्किट दिखा दिया। अगर कुंडली शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती है, तो डीसी डायरेक्ट यहाँ से आके कहाँ पर आ जाएगा, लोड पर आ जाएगा। तो देखो, डीसी आ गया, तो अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे आउटपुट पूरी की पूरी डीसी आ गई, किसके अंदर, लोड के अंदर। ठीक है, तो देखो, तो सारा डीसी अपने को कहाँ मिल गया, आउटपुट के अंदर। ये अपना क्या था, डीसी संकेत के लिए था। ऐसे ही अपन बात करते हैं किसके लिए, एसी के लिए। तो देखो, इस वाले को पूरी को हटा दो आप एक बार, है ना, अलग से डायग्राम बनाते हैं अपन। ये अपने पास लगी है कुंडली, इसको छोड़ो भाई यहीं से। ये अपने पास है संधारित्र, और ये अपने पास क्या लगा है, लॉर्ड। ऐसे कुछ डायग्राम है, ओके। ये सी है, ये एल है, और ये क्या है, आर एल है। पर हाँ, इसके ऊपर ये जरूर लगाना, ठीक है। अब सुनो, डीसी के लिए बात कर ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एसी के लिए। तो सुनो, कुंडली का प्रतिघात होता है एक्स एल इक्वल ओमेगा एल, ठीक है। कुंडली का प्रतिघात होता है एक्स एल इक्वल एल, ओमेगा लिख दो चाहे ओमेगा एल लिख दो। अब आप क्या करते हो, एल को रखते हो ज़्यादा, ठीक है। आप क्या करते हो, एल के रखते हो ज़्यादा, तो एक्स एल बढ़ जाएगा। अगर एल का मान ज़्यादा करोगे तो एक्स एल बढ़ेगा, बस बेसिक सी बात है। तो आप जानते हो कि कुंडली क्या करेगी, एसी को रोकती है, ठीक है।
फिलहाल अपन किसकी बात कर रहे हैं, कुंडली की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुंडली का प्रतिघात होता है एक्सएल इक्वल एल ओमेगा। अगर यहाँ पे आप एल के मान को बढ़ाओगे तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आप जानते हो क्या कि कुंडली क्या करती है, इसी को रोकती है। अगर एल ज़्यादा करोगे तो एक्सएल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक्सएल ज़्यादा होगा ना तो कुंडली ज़्यादा से ज़्यादा एसी को क्या कर लेगी, रोक लेगी। तो देखो एसी यहीं से तो आएगी, तो ये कुंडली जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा एसी को क्या कर लेगी, यहीं पे रोक लेगी। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को, मैक्सिमम एसी ब्लॉक्ड, ठीक है। इस कुंडली ने क्या कर लिया, कौन सी कंडीशन में, जब यहाँ पे अपन ने एल का मान ज़्यादा किया तो एक्सएल का मान बढ़ गया। जैसे ही एक्सएल का मान बढ़ा तो इस कुंडली ने इस एसी को क्या कर दिया, यहीं पे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। पर बेटा जी यहाँ पे पूरा ब्लॉक नहीं किया है इसने, पूरा कब ब्लॉक होता है ये, जब ये प्रतिघात अनंत होता तब वो पूरी ब्लॉक होती, पर यहाँ पे प्रतिघात क्या है, अनंत नहीं है। अगर अनंत नहीं है तो पूरी एसी को ब्लॉक नहीं करेगी। मानते हैं कि मैक्सिमम एसी को इसने ब्लॉक कर लिया, पर कुछ एसी जो है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कुछ एसी क्या हुई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। कुंडली जी ने अपना काम कर दिया क्या, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एसी को रोक लिया और कुछ एसी जो थी वो कुंडली से कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब देखो, अब याद करें, जब अपन ने संधारित्र की बात करते हैं तो इसका प्रतिघात क्या होता है। अब ये कुंडली एसी कहाँ आएगी, बात करते देखो, जैसे अपन ने कुंडली के प्रतिघात की बात की, वैसे ही संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है, अक्ष सी इक्वल वन अपॉन सी ओमेगा, यही होता है। तो मैंने आपको बताया था कि C का मान ज़्यादा रखने से अक्ष C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। C का मान ज़्यादा रखने से क्या हो जाएगा, अक्ष C का मान कम हो जाएगा। तो अगर ये लोड पर अक्ष C की बात करूँ, तो अगर मैं इस लोड पर इस अक्ष C की बात करूँ तो अक्ष C का मान क्या हो जाएगा, लोड पे कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी के मान को बढ़ा दिया और अक्ष सी का मान यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो इस लोड पर अगर मैं इस अक्ष सी की बात करूँ तो इस अक्ष सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस अक्ष सी की वैल्यू इस लोड से कम हो जाएगी। तो इसलिए एसी पहले कहाँ चला जाता है, इस संधारित्र के अंदर। तो ये जो थोड़ा सा जो एसी बचा था, ये इस लोड पर ना जाकर पहले कहाँ चला जाता है, सी पर। लोड पर क्यों नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अक्ष सी का मान क्या है, इससे आरएल से कम है, इसलिए ये एसी कहाँ पर आ जाएगा, इस सी के अंदर, सॉरी संधारित्र के अंदर आ जाएगा। अब आप जानते हो कि संधारित्र जो है वो एसी को तो जाने देता है, कुंडली तो रोकती है, एसी को संधारित्र तो जाने ही देता है। तो संधारित्र जाने देता है और एसी यहाँ से निकलकर कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। अब वहाँ पे एक अपन ने टैपिंग पॉइंट पढ़ा था, जो उसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो ये एसी वहाँ पर जाके नल पॉइंट पे चली जाएगी, और वो नल पॉइंट कहाँ पे जुड़ा रहता है, ग्राउंड में जुड़ा रहता है। तो वो एसी कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। लेकिन सारे एसी को नहीं जाने देता है, फिर भी एसी को तो जाने देगा ये, पर अभी भी सारी एसी को नहीं जाने देता है। अरे लगभग तो कुंडली ने रोक ली, और जो कुछ बाकी बची वो इस संधारित्र के अंदर आ गई। संधारित्र ने क्या किया, संधारित्र से वो एसी प्रवाहित होकर कहाँ चली गई, नल पॉइंट के अंदर चली गई। नल पॉइंट से वो एसी कहाँ चली गई, ग्राउंड में चली गई। उस नल पॉइंट का जो कनेक्शन होता है वो कहाँ से रहता है, ग्राउंड पॉइंट से रहता है, ठीक है। तो ये सारी एसी को तो अभी भी नहीं जाने देगा, थोड़ी सी मात्रा में, कुछ एक मात्रा में तो उसके पास एसी बचेगी ही बचेगी। अब वो एसी कहाँ चली जाएगी, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो वो एसी कहाँ पर आ जाएगी, इससे लोड पर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अपने को लोड पर ज़्यादा क्या मिला, डीसी, और कम क्या मिला, एसी। तो चेक करो कितने बार फिल्टर हो गया ये एसी, कितने बार फिल्टर हुआ, दो बार फिल्टर हुआ।
तो देखो, एक बार तो इसने फिल्टर कर दिया, एसी रोका और ज़्यादा से ज़्यादा एसी को रोक लिया। फिर संकेत यहाँ से आकर कहाँ आया, इस संधारित्र के अंदर आया। तो ये एसी क्या करेगा, अक्स सी का मान कम होने के कारण संधारित्र पर आ जाएगा, ठीक है। तो संधारित्र एसी को जाने देगा और डीसी, अच्छा एसी को जाने देगा और एसी कहाँ गया, अंदर चला गया। जाता कहाँ है, नल पॉइंट पर, वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब ये सारी की सारी एसी को जाने देगा, पर थोड़ी एसी को तो बचेगा जो कहाँ आ जाएगी, लास्ट ऑप्शन क्या है उसके पास, आर एल ए है, तो आर एल पर पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा डीसी मिल रहा है और एसी बहुत कम मिल रहा है। तो एक बार तो कुंडली ने फिल्टर कर दिया, और एक बार किसने फिल्टर कर, दूसरी बार, एक बार तो कुंडली ने एसी को कम कर दिया और दूसरी बार संधारित्र ने एसी को कम कर दिया। इसका मतलब दो बार छलने से उसको क्या कर दिया, छान दिया। तो डीसी जो, और छलनी क्या करती है यहाँ पे, एसी को तो जाने देती, सॉरी डीसी को तो जाने देती है और एसी को क्या कर लेती है, रोक लेती है। भाई यहाँ तक सबको समझ में आया, यही अपने क्या थी, इसकी थ्योरी थी, और बाकी का तो अपने क्या है यहाँ पे एज इट इज है, जैसे कल अपन ने पढ़ा था वैसा ही है। समझ में आया कि सी और एल दोनों साथ क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं एक बार इसकी थ्योरी बोल देती हूँ आपको, आप लोग सुनना अच्छे से, एसी संकेत के लिए बोल रही हूँ ना, सुनो। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अधिक होने से एक्सल बढ़ जाता है, जिसके कारण कुंडली अधिक से अधिक प्रत्यावर्ती संकेत को रोक लेती है। संधारित्र का प्रतिघात एक्स सी लोड प्रतिरोध आरएल से कम है, अतः कुंडली से निर्गत एसी संधारित्र में चला जाता है, और जैसे ही संधारित्र पर वोल्टता कम होने लगती है तो लोड प्रतिरोध संधारित्र को निरावेशित कर देता है। निरावेशित करने का मतलब डिस्चार्ज कर देता है, और हमें बहुत कम मात्रा में लोड प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती संकेत प्राप्त होते हैं। देखो कल अपन ने फूरिये इक्वेशन लिखी थी, सेम टू सेम वही इक्वेशन लिखना, ठीक है, मैं नहीं लिखूँगी, सेम टू सेम क्या करोगे, वही इक्वेशन लिखोगे। उसके अंदर आप लोगों को पता है हाँ जी, उसके अंदर आप लोगों को पता है क्या कि, चलो लिख देते हैं रे यार, छोड़ो, फूरिये इक्वेशन लिखेंगे अपन, है ना, 2EM अपॉन पाई माइनस 3EM, सॉरी 4EM अपॉन 3π कोस 2ωt माइनस 4EM 15π कोस 2ωt, कोस 4ωt है भाई, इसको इक्वेशन बोल दो वन, यही थी फूरी इक्वेशन, पर इसके आगे डॉट डॉट तो लगाओ, ये लो जी, ओके। अब क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे, इसलिए ई आर इक्वल आप लोग जानते हो भाई, कहीं वैल्यू निकाली होगी अपन ने ना, ई एम टी अपॉन आर एल सी, ओके। अब देखो ई डी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, अच्छा 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 सॉरी, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, हाँ जी सॉरी। देखो आपको पता है कि इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, जो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो कल भी अपन ने निकाली थी, क्या निकाली थी, ई डी सी इक्वल 2EM अपॉन पाई लिया था, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दो बोल दो, ठीक है। अभी मैं सीक्वेंस वाइज बोलती जाती हूँ, आप लोग सेम टू सेम, कल जैसा ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है जहाँ मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो देखो कल वाली यही इक्वेशन है, कल वाले में भी अपन ने इसको ईडीसी लिखा था, इसके बाद सुनो,
इक्वेशन फर्स्ट के द्वितीय व तृतीय भाग है, द्वितीय व तृतीय भाग समय पर निर्भर करते हैं, अतः ये क्या है, एसी घटक है। ठीक है, तो द्वितीय व तृतीय घटक में आवृत्ति का अनुपात कल भी निकाला था 1:2 है, जबकि आयाम का अनुपात कल भी निकाला था 1:1/5 है। अतः द्वितीय प्रत्यावृत्ति घटक क्या होगा, प्रभावी होगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय जो प्रत्यावृत्ति घटक है वो क्या होगा, प्रभावी होगा। तो एसी इक्वल क्या आ गया अपना, ई एसी, कल भी लिया था इसको सेम टू सेम, तो ई एसी इक्वल आ गया अपना 4 EM/3π cos 2ωt। ओके, माइनस है। अब एक चीज़ अपन चेंज करेंगे, यहाँ पे ये जो ई है कैपिटल ई, इसको स्मॉल ई लिखेंगे। क्यों, यहाँ ई ए सी के स्थान पर अपन क्या लेंगे, स्मॉल ई ए सी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ई ए सी में मतलब ये वाला जो ई लिखेंगे इसके अंदर एल व सी दोनों फिल्टर आ जाएंगे। ठीक है, और ये लिखा था इसके अंदर ओनली क्या आता है, 1 फिल्टर आता है। ई ए सी में या तो एल होता है या फिर क्या होता है, सी होता है। पढ़ा होगा कल, पीछे पढ़ा होगा या उससे पीछे पढ़ा होगा, सी में पढ़ा था ये अपन ने, वहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, इसको ई लिखा था। तो अगर कैपिटल ई से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर ओनली एक ही फिल्टर आएगा, कौन सा, सी। पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपने पास तो दो है, एक तो कुंडली है और एक संधारित्र है, इसको अपन ने किस नाम से दे दिया, इस यहाँ पर स्मॉल ई ए सी से। आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बता रही हूँ अभी तो, है ना। तो देखो, प्रत्यावर्ती घटक मुख्य रूप से कुंडली व संधारित्र में होगा। जाहिर सी बात है, प्रत्यावर्ती घटक कुंडली में भी होगा और संधारित्र में भी होगा। तो देखो, ये अपनी कुंडली थी ऐसे, और ये अपना क्या था, संधारित्र था, इसको मिला दो ऐसे करके। ठीक है, आप क्या कर देंगे, इसको नाम दे दो अक्षर और इसको नाम दे दो अक्षसी। ओके, और यहाँ से यहाँ ये जो घटक आएगा इसको आप क्या बोल दोगे, पता है भाई, एक्सेल में भी एसी होता है और एक्सेसी में भी क्या होता है, ई एसी होता है। ठीक है, ये जो ई एसी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये इससे भी आ रहा है और ये इससे भी आ रहा है। अब इसमें धारा प्रवाहित कहाँ से कहाँ तक हो रही है, यहाँ से लेके ये ऐसे हो रही है, इस धारा को अपन क्या नाम दे देंगे, आई ए सी। ठीक है, अब आपको पता है कल वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही अपन क्या कर लेंगे, धारा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे, आई ए सी निकालनी है ना अपने को यहाँ पे, ये लो। तो कैसे निकालोगे, ई ए सी अपॉन जेड, ई ए सी अपॉन जेड। ठीक है जी, अब आप लोग यहाँ पे जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे देखो, अब इस वाले सर्किट के अंदर कुंडली और संधारित्र दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुल प्रतिबाधा के लिए ये कौन सा हो गया, आप लोगों को पता है, अपन एक सर्किट बनाते हैं ऐसे, ये क्या है, कुंडली है, यहाँ पे संधारित्र भी लगा होता है और यहाँ पे ये प्रतिरोध भी लगा होता है, तो इसको आप क्या बोलते हो, LCR परिपथ बोलते हो कि नहीं बोलते हो। और इसके लिए जब आप ये प्रतिबाधा निकालते हो तो किस रूप में निकालते हो, ऐसे ही तो निकालते हो, R² + L² - XC² ऐसे ही तो निकालते हो, बिल्कुल। पर अपने यहाँ सर्किट में प्रतिरोध तो है ही नहीं, अगर प्रतिरोध नहीं है तो इसको क्या कर दो, हटा दो, तो अपने पास क्या बच गया, ये XL - XC². अब रूट हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, XL - XC बच जाएगा। ठीक है, तो जेड अपना क्या कहाँ से आया, ये LCR परिपथ से आता है ना निकालना। तो देखो, इसको यही बोल दो ई ए सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप लोग, ये जेड समझ में आ गया, LCR परिपथ से, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा कैसे लिखते थे वो लिख दो, पर अपने पास प्रतिरोध नहीं है तो R को हटा दो और बाकी का लिखेंगे। देखो अभी ये क्या है, 4 EM/3π cos 2ωt,
जेड का मान कितना आया था अपने पास, एक्स एल माइनस अक्ष सी। ओके, अब क्या करेंगे देखो, आई ए सी इक्वल 4EM थ्री ए सॉरी पाई कोस 2ωt 2ω। अब ये एक्स सी और एक्सएल जो है इसके लिए अपन ओमेगा क्या रख देंगे, आप लोगों को पता है अक्ष सी की बात करते हैं, सॉरी अक्ष एल की बात करते हैं, तो इसके लिए प्रतिघात कितना होता है 2ωl होता है बिल्कुल, और एक्स सी की बात करते हैं तो इसके लिए कितना होता है 1/2c2ω यही होता है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, कर दीजिए तो 2ωl माइनस 1/2ωc। ओके, अब सुनो, अब देखिए अपन क्या करते हैं, आई ए सी इक्वल माइनस 4EM/3π और कोस 2ωt 2ωt, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके, ठीक है, तो 4ω² एलसी माइनस 1 आ जाएगा और अपॉन में ये भी तो बचेगा ना 2ωc, तो इसको कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। अब आपको पता है कि प्रत्यावर्तिकल वहाँ पे अपन ने शिखर वोल्टता निकाली थी, ठीक है, तो अब ऐसे ही इसका क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 4 का क्या कर लेंगे, वर्ग माध्य मूल माने ज्ञात कर लेंगे। तो देखो आई आर एम एस इक्वल, इस इक्वेशन 4 का क्या कर रहे हैं, वर्ग माध्य मूल मान निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, 0 to t यही होता है I² ac dt अपॉन में क्या आ जाएगा t, ठीक है। अब देखो 1/t को बाहर निकाल लो, निकाल लिया, और इस वाली का स्क्वायर करके भी वैल्यू जानते हो आप इसकी, ये होती है, तो इसका स्क्वायर करके अपन बाहर निकाल लेते तो क्या आ जाएगा 4EM/3π का स्क्वायर, ठीक है, और इस वाले को भी इधर ले आओ तो 2ωc का होल स्क्वायर अपॉन, इस वाले को भी बाहर निकाल लो 4ω² LC-1, अंदर क्या बचा 0 to t cos 2ωt यही बचा, ठीक है। अब कोस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, कोस 2θ को 2cos²θ-1। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा ये कोस स्क्वायर है तो इसकी मेरे को वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 cos²θ/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देना और क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, कौन करोगे इंटीग्रेशन, आप लोग करोगे। देखो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर देना, ये वाली सेम टू सेम चल रही है अपने साथ, बस अपने को ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, इसका 0 से लेकर t तक इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है, और वैल्यू निकाल लेना किसकी, IRMS की। ओके, देख लो अच्छे से इक्वेशन, तो देखो जी यहां तक सबको क्लियर है भाई,
ओके अब IRMS की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, मैं लिख देती हूँ, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। IRMS की वैल्यू आ जाएगी 4 EM अपॉन 3π मल्टीप्लाई 2 ओमेगा C अपॉन 4 ओमेगा² L C-1 की पावर √2, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संधारित्र है, पता है कि लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संधारित्र है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का निर्गत मान केवल कहाँ होगा, संधारित्र के शिरों पर मापा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ RL संधारित्र समांतर क्रम में होने के कारण दोनों प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, कौन सी कंडीशन में, RL संधारित्र, यही था आपने ऐसे कुछ डायग्राम था। ऐसे ही था और साथ में अपना क्या चल रहा था, लोड, ये लो जी, ठीक है। यहाँ से कौन प्रवाहित हुआ, ये क्या है अपना अक्ष L, या फिर L बोल दो, ये क्या है अपना C और ये क्या है अपना RL। अब देखो यहाँ से प्रवाहित कौन होकर आया, ये IRMS, बिल्कुल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर इस लोड पर, लोड पर भी क्या मिलेगा, IRMS मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ RL संधारित्र के समांतर क्रम में होने पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, दोनों की प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, इस RL पर क्या निकालनी है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, देखिए क्या EAC कैसे निकालेंगे, IRMS इंटू XC, ठीक है। क्या करोगे, इस RL पर AC निकालोगे, EAC का फॉर्मूला कैसे लिख दोगे, IRMS इंटू XC, ठीक है। यहाँ निर्गत वोल्टता क्या है, EAC है, इस लोड पर निर्गत वोल्टता कितनी हो जाएगी, EAC। तो देखो अब अक्ष सी की वैल्यू आप लोग जानते हो 1/2 ओमेगा C होती है, तो देखो EAC की वैल्यू, IRMS की भी वैल्यू जानते हो आप, क्या है पीछे निकाली थी, कौन सी आई थी, 4 EM/3π 2 ωc / √2 4 ωs² LC-1 ये निकाली थी, और अपॉन मल्टीप्लाई में क्या है, अक्स सी है, अक्स सी की वैल्यू जानते हो आप क्या होता है, 2 ωc होता है, इससे ये काट दो, काट दिया, तो अपने पास EAC क्या प्राप्त हो गई, ये वाली 4